हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, उपाय और साथ ही जानेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रत्येक माह में दो एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने पर सभी पापों का नाश और मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस बार 2023 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, उपाय और साथ ही जानेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी शुभ तिथि के बारे में। दोस्तों, इस साल कामदा एकादशी व्रत 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दो दिन रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल प्रातः काल 1:58 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल प्रातः काल 4:19 पर। दोस्तों, 1 अप्रैल को व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय होगा 2 अप्रैल दोपहर 1:40 से शाम 4:10। दोस्तों, 2 अप्रैल को व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय रहेगा 3 अप्रैल सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल की सुबह 6:24 पर। अब जान लेते हैं कामदा एकादशी विधि के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर पुष्प, धूप, दीप व प्रसाद अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। दोस्तों, दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में ही व्रत का पारण अवश्य करें। अब जान लेते हैं एकादशी पारण कैसे करें। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्रीहरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी जैसे खाद्य पदार्थों को खाने में शामिल किया जा सकता है। जबकि एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी या ग्यारस का व्रत रखने वालों को गाजर, शलगम, चुकंदर, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं दान किस दिन करें। दोस्तों, प्रत्येक व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने से पहले या पारण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल जातक को प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में चावलों का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद श्री हरि व मां लक्ष्मी जी का पूजन करें और फिर ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कामदा एकादशी की कल्याणकारी कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार पुंडरिक नामक नागों का एक राज्य था जहां अप्सराएं और गंधर्व रहते थे। इन्हीं में से ललिता नामक एक सुंदर अप्सरा थी। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। ललित नाग दरबार में गायक और नृतक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरिक के दरबार में कर्कोटक
नाग नाम के एक नाग देवता मौजूद थे जो ललित के गाने का आनंद ले रहे थे। ललित गाने में लीन था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसकी वजह से उससे भूल हो गई। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुड़ाने के लिए चिंता करने लगी। तब उसे एक मुनि ने कामधा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामधा एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से ललित श्राप मुक्त हुआ। जय श्री हरि।